आज हम बनाने वाले बेयर का चित्र, तो ऊपर से हमने कर्व करते करते नीचे की ओर थोड़ा सा पॉइंट्स टाइप से बनाना है, नीचे साइड थोड़ा सा, और गोल उसके कान बनाने हैं, तो थोड़े से गोल टाइप से ही होने चाहिए या थोड़े पॉइंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम उसका हम्प शोल्डर ड्रॉ करते हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा कर्व होते होते पीछे के साइड बड़ा बनाने, यहाँ पे हम उसके आगे के पैर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम उसके फीट ड्रॉ करते हैं, नेल हम डायरेक्ट कलर से भी बना लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे नेल नेल ड्रॉ किए, तो उसके नेल काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ पे हम आगे के दो पैर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम उसका टमी वाला पार्ट रहेगा, पेट वाला पार्ट, और पीछे से उसका जो पैर है एकदम फाइन कर्व करते हुए, तो दोनों सामने के पैर थोड़े थोड़े आगे हैं और दो पैर पीछे के थोड़े से पीछे हैं, ऐसे हम दिखाने वाले। तो ये वाला जो पैर है इसी सीध में आएगा, ऐसा इस पोजीशन में ऐसा खड़ा है, तो ऊपर से बड़ा होते होते नीचे छोटा बनाना है, यहाँ पे उसके फीट भी अच्छे से बनाने हैं। अब यहाँ पे हम टी शेप जैसा हम एक स्लांटिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और छोटी छोटी उसकी आँख बना लेते हैं, छोटी छोटी एकदम राउंड। जो भालू होता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे हम उसकी नोज़ बनाते हैं, यहाँ पर हम उसके नोज़ के दो पॉइंट बना लेते हैं, और उसका नाक थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए दो ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और नीचे माउथ की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। बॉडी के ऊपर थोड़ा फर का लुक देने के लिए जिग-जैग पूरे बॉडी के ऊपर कर लेते हैं पेंसिल से। पूरा अच्छे से पेंसिल से कर लेने के बाद हम उसको हल्के हल्के हाथ से इरेज कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पे हम थोड़े थोड़े फर का लुक देने के लिए डॉट डॉट थोड़ी थोड़ी स्लांटिंग लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जो भालू होता है वो बहुत सारे उसके ऊपर बाल होते हैं, तो और कई कलर्स में होता है, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड में थोड़ा सा माउंटेन का लुक दे देते हैं, इस टाइप से दो तीन माउंटेन बना लेते हैं, बैकग्राउंड हमारी चॉइस का भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पे हमें जंगल का सीन बनाना है तो भी हम बना सकते हैं। इस टाइप से हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे हम एक स्टोन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा उसका बेबी भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम लाइट लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर लेते हैं पूरा ड्राइंग अच्छे से, ग्रास भी बना लेते हैं। पूरा ड्राइंग ड्रॉ हो जाने के बाद उसको क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम वाटर कलर का यूज़ करने वाले हैं। अच्छे से क्लीन कर लिया, अब पूरे ड्राइंग को हम क्लीन वाटर से वॉश कर देते हैं, क्योंकि हमें पूरे कलर मिक्स करना है, एक दूसरे में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, इसलिए हम पहले वॉश कर लेते हैं। वॉश हो जाने के बाद पेपर को अच्छी तरह से सूखने देना है, पूरा अच्छे से सूखना चाहिए। ड्राई हो जाने के बाद सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड में माउंटेन बनाया है उसको लाइट ब्लू शेड से अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम माउंटेन में दूसरा कलर भी कर सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ग्रीन शेड, यहाँ पर हमने ब्लू शेड किया है। ब्रश को बहुत ज़्यादा दबाने का भी नहीं है और पीछे की साइड ब्रश पकड़ के रखना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आइस का लुक भी बना देते हैं। अब ऊपर का ड्राई हो रहा तब तक हम नीचे का ग्रीन शेड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमने सैप ग्रीन और येलो ऑकर शेड का यूज़ किया है, ये दोनों को मिक्स करके ग्रास बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले लाइट शेड कर लिया था येलो ऑकर और लाइट ग्रीन मिला के, यहाँ पर अभी हम क्रोम येलो और ग्रीन शेड को मिक्स करके बढ़िया से ग्रास भी ड्रा कर लेते हैं,
तो पहले हमने लाइट शेड किया, फिर मिडल, फिर डार्क, इस स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं। तो ऊपर का ड्राई हो रहा है तब तक नीचे का भी हम बना लेते, ऐसा हम करने वाले हैं। ग्रास के अलावा यहाँ पर हम और भी कुछ फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हैं, स्टोन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कोई पेड़ बना सकते हैं। इस टाइप से हम डायरेक्ट कलरिंग से भी कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन बना है उसमें भी ब्लैक शेड को थोड़ा सा लाइट शेड करके कलरिंग भर देते हैं। और ये जो पहाड़ है यहाँ पर हम ग्रीन का दूसरा शेड देते, तो हमें दूसरे शेड भी यूज़ करना है ग्रीन के, ना कि एक ही कलर से काम करना है। अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं। बैकग्राउंड में हम बहुत सारी चीज़ें अपने इमेजिनेशन से भी ऐड करके कलरिंग कर सकते हैं। इस साइड में भी थोड़ा सा शेड चेंज किया है ग्रीन का। दोनों साइड सेम भी हो सकता है, नहीं तो अलग भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। अब ये पूरा का पूरा अच्छे से ड्राई होने देना है। अब वो ग्रीन ड्राई हो रहा है तब तक हम नीचे उसकी जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे हम शेडो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहीं ग्रीन शेड में शेडो बनाते हैं, साथ में ग्रास भी बना लेते हैं। अब जो माउंटेन किया है उसे ड्राई होने देने का है। ड्राई हो जाने के बाद हम पर्शियन ब्लू कलर से या डार्क ब्लू शेड से आउटलाइन कर लेते हैं। तो ब्रश से ही कर लेते हैं, 2 नंबर के ब्रश का यूज़ कर सकते हैं या 6 नंबर का। अब ऊपर का भी ड्राई हो गया है, नीचे का भी ड्राई हो गया है। अब हम ये जो बेयर होता है ये ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, वाइट ऐसे कई कलर में होता है, लेकिन यहाँ पर हम ब्राउन शेड में बना रहे हैं। भालू के अंदर कलरिंग करते हैं। तो पहले हमने ब्राउन शेड अच्छे से पूरा भर दिया है, नोज़ में भी डार्क शेड कर लेते हैं। अब जब तक वो ड्राई हो रहा है तब तक हम नीचे स्टोन में कलरिंग करते हैं। ड्राई हो जाने के बाद अब हम ब्राउन का शेड यूज़ करते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम डार्क शेड करते चलेंगे। और ब्रंट अम्बर शेड का भी यूज़ करने वाले हैं, साथ में थोड़ा सा ब्लैक। तो इस टाइप से हम जो पीछे का पैर है वहाँ पे थोड़ा सा डार्क शेड दिखाते हैं और नेक के नीचे भी थोड़ा सा डार्क शेड करते हैं। जब हम कलरिंग कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें भी ध्यान देना है, हमें कितना ड्राई होने देना है, नहीं होने देना है कलर को, ये चीज़ें हमें ध्यान से समझ कर कलरिंग करना है। स्ट्रोक ध्यान से देना है और पहले लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क, स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान देना है कि कलर सूखने देना है या नहीं देना, ये चीज़ें ध्यान में रख के हम कलर करने वाले। तो पहले हमने लाइट ब्राउन शेड किया, फिर थोड़ा डार्क ब्राउन शेड, फिर हम उससे ज़्यादा डार्क शेड करने वाले, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम कलरिंग करने वाले। तो इस टाइप से हम पैरों के ऊपर भी अच्छे से डार्क शेड कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन और हल्का सा ब्लैक शेड मिक्स किया है और फेदर का लुक देने के लिए एक ही डायरेक्शन में स्ट्रोक कर रहे हैं। छोटे छोटे स्ट्रोक से कलरिंग करना है। उसके जो फर होते हैं बड़े ही सिल्की और स्मूथ होते हैं, तो उसी का इफ़ेक्ट देने के लिए हम छोटे छोटे स्ट्रोक में काम कर रहे हैं। छोटा छोटा स्ट्रोक, लाइट, मिडल, डार्क शेड अच्छे से मिक्स होना चाहिए। तो इस टाइप से हम कलरिंग करते चलते हैं और गर्दन के नीचे भी थोड़ा सा डार्क शेड, क्योंकि ये पैर उस साइड का है इसलिए वहाँ पे डार्क शेड है, और वैसे ही पीछे एक वाला पैर भी वहाँ पे भी हम डार्क शेड कर लेते हैं। इस टाइप से हम अच्छे से मिक्स करते चलते हैं बढ़िया सा, और ब्रश को बहुत ज़्यादा दबाने का भी नहीं है, ये भी चीज़ें ध्यान देना है। हल्के हल्के हाथ से, हल्के हल्के हाथ से कलरिंग करना है, एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए, इसलिए हमने पहले वॉश करके रखा था। या नोज़, फेस के ऊपर भी हम फर का लुक दे देते हैं। उसके बाद हम कान को भी हल्का सा डार्क आउटलाइन करेंगे, और ये हो जाने के बाद में हम आँख पॉइंट वाले ब्रश से डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो ये फर का लुक देने के लिए हम छोटे छोटे स्ट्रोक, छोटे छोटे डार्क शेड।
बढ़िया सा कलरिंग करते चलते हैं। तो यहाँ पे टमी का पार्ट थोड़ा सा डार्क शेड में करते हैं और जो नोज़ है उसके ऊपर लाइट येलो शेड फिल कर देते हैं, एकदम वाइट नहीं छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे डार्क ब्राउन और उसके अंदर हल्का सा ब्लैक शेड है, उससे हम फर से और थोड़ा थोड़ा डार्क शेड करें। यहाँ पे उसका माउथ भी बनाते हैं और छोटी छोटी सी आँख बनाते हैं, दोनों आँख अच्छे से बनाएंगे। आँख बन जाने के बाद अब हम जो नोज की दो लाइन है उसके ऊपर भी हल्के हाथ से डार्क शेड कर लेते हैं, वैसे उसके फोरहेड के ऊपर भी। यहाँ पे जब तक वो ड्राई होता है तब तक हम नीचे ग्रास बना लेते हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है, कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान देना है कि जब हम कलरिंग करते हैं तो स्मूथ हैंड से होना चाहिए, बहुत ब्रश को दबा के नहीं। ब्रश यदि हम दबा दबा के चलाते हैं तो पेपर के रोए बाहर आ जाती है और पेपर फटने लगता है, तो इसलिए हमें हल्के हाथ से कलरिंग करना होता है। वापस वो ड्राई हो गया तब हम उसके आँख पे वापस काम करेंगे। तो ऐसा स्टेप बाय स्टेप हमें लाइट टू डार्क शेड में कलरिंग करना है। यहाँ पे हम उसकी टेल नहीं बनाए, टेल बहुत छोटी होती है इसलिए वो इस साइड से दिख नहीं रही, इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया। तो इस टाइप से हम अच्छे से कलरिंग कर सकते हैं इसके बॉडी के ऊपर, ऐसे फर का लुक दिखाने के लिए लाइट मिडल डार्क शेड के स्ट्रोक लगा दिए। तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा बेयर का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करिए। थैंक यू।